मेरा फरिश्ता संकल्प से रचा हुआ 24 घंटे सूक्ष्म बदन में ब्रह्मा बाबा के सामने मधुर मिलन मना रहा। माता ये आंख क्यों बंद कर रखा मुझे समझ नहीं आया। पहला फरिश्ता इन आंखों से आपको सारी सृष्टि को सकार देना। आंख बंद नहीं करो, बोलो पहला फरिश्ता 24 घंटे सकाश बाबा से दे रहा है मधुर मिलन मना रहा है। आप देखेंगे जब आप घर का काम कराते हैं या कोई भी काम कराते हैं, 5-10 लेबर लगे हुए हैं, आप उनको काम में लगा दिया, आपके धन की शक्ति से वो काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि 8 घंटा काम करने के बाद उनको आपको पैसा देना है। तो इसी तरीके से आपकी संकल्प शक्ति से जो ऊर्जा क्रिएट हुआ वो काम करेंगे। समझ में आया? समझ में आया? तो जैसे हमने एक फरिश्ता बनाया तो दूसरा बना सकते हैं या नहीं? दूसरा बना सकते हैं। देखो बाबा मधुबन में थे, बाबा कहां थे? बाबा मधुबन में थे, लेकिन बाबा का सूक्ष्म शरीर फरिश्ता स्वरूप कहां कहां साक्षात्कार हुआ? देश विदेश भारत इधर उधर चारों तरफ गांव गली शहर किन किन आत्माओं को साक्षात्कार हुआ? हुआ या नहीं? देखो माताएं कैसे उनके जाने, जिनको जाना है वो जाने दो, आपको देखने की जरूरत नहीं है। पहला जो हम संकल्प से फरिश्ता बनाया वैसे ही दूसरा फरिश्ता भी बना सकते हैं। अच्छा आप लौकिक में कभी लड़ाई झगड़ा किए हो? अच्छा किसी ने अगर आपको एक शब्द तो दिया, ज्ञान में नहीं, अज्ञान में, ज्ञान में भी कभी कभी हो जाता है, किसी ने बोला तू खराब है, तो आप क्या बोलते? कितने से तुम रस्ते हैं? उसने एक पत्थर मारा था, मैंने 10 पत्थर मार दिया, है कि नहीं? जब संकल्प में एक अस्त्र बना सकते हैं, दूसरा अस्त्र बना सकते हैं, तीसरा अस्त्र बना सकते हैं, तो हमारे संकल्प से एक सूक्ष्म शरीर बनाया दूसरा नहीं बना सकते। ब्रह्मा बाबा मधुबन में थे, एक फरिश्ता निरंतर सूक्ष्म बदन में, या वही फरिश्ता के चारों तरफ साक्षात्कार करके वहां जाता था? जो फरिश्ते मधुबन में वो जाएंगे सूक्ष्म बदन में तो कहेंगे तो सूक्ष्म बदन खाली है, ब्रह्मा बाबा कहाँ गए? बाबा कभी भी सूक्ष्म बदन से संपूर्ण स्वरूप निरंतर सूक्ष्म बदन में रहा या नहीं? लेकिन जैसे बाबा सर्वशक्तिमान शिव बाबा प्रणाम में निरंतर रहता है ना, लेकिन भक्त आत्मा याद करते हैं तो बाबा नहीं पहुंचता है। हर बच्चा कहता है बाबा मेरे साथ है, बाबा तो एक ही है, सबके साथ कैसे पहुंच जाता है? बाबा के अंदर इतनी शक्ति है, सर्वशक्तिमान अंतर्मन से बाबा कुछ भी कहीं भी एक सेकंड में जो भी बुलाए उसके पास पहुंच सकता है। तो बाबा पहुंच सकता है, बाबा कर सकता है, तो हम बच्चे भी कर सकते हैं। हम बच्चे भी बोलो बाबा कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? फरिश्ता रूप निर्माण कर सकता हूँ, और वो फरिश्ता रूप इतना सुंदर बनाओ। पहला फरिश्ता कहाँ है? एक्शन करके बताओ, ढूंढो कहाँ है फरिश्ता। अच्छा सूक्ष्म बोलो, सूक्ष्म बाबा सामने बोलो, मेरे सामने जैसे पहले बनाया था वैसा और एक फरिश्ता बन चुका है, ऊपर ऊपर और ऊपर सूक्ष्म बदन में पहुंच गए, बाबा से शक्ति लेकर नीचे 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 विश्व लोक के ऊपर करो समझे सब, विश्व लोक के ऊपर ऐसे ऐसे मुट्ठी करो, ये विश्व लोक के ऊपर मैं जो बोल रहा हूँ सभी बोलो, 700 करोड़ से भी ज्यादा आत्माओं, और एक बार बोलो
मेरा फरिश्ता स्वरूप सकाश दे रहा है। पहला फरिश्ता कहाँ है? बोलो ना ठीक से। दूसरा क्या कर रहा है? क्या किसको? अभी बोलोगे नहीं ना, फिर पता नहीं सकाश दे रहा हूँ, कितने को दे रहा हूँ आपको बताएं। हमारे घर में ना आज 4 मेहमान आए। अच्छा, हमारे घर में तो कल 25 मेहमान आए थे। अच्छा, हमारे घर में 50। जितना बड़ा संख्या उतनी एनर्जी भी, उतना एक्सप्रेशन, उतना एक्शन का प्रभाव पड़ता है। तो मैं कितनी आत्मा को सेवा दे रहा हूँ? सांस बोलो और सकाश देना माना ही लेना। जब आप किसी को दुआएं देते हो, देना माना, और इससे बड़ी शक्तिशाली सेवा कुछ भी नहीं है। आप खाना खिला सकते हो, कितने को खिलाओगे? कपड़ा दान कर सकते हो, कितना? धन दान कर सकते हो, कितना? लेकिन मन से सेवा करना फरिश्ता स्वरूप का 700 करोड़ से भी ज्यादा आत्माओं, 700 करोड़ से भी ज्यादा आत्माओं को मेरा फरिश्ता स्वरूप सकाश दे रहा है। पहला फरिश्ता कहाँ है? बोलो नहीं, बोलने के साथ एक्शन कर लो। पहला फरिश्ता, दूसरा, अब हाथ नीचे कर लो। लग रहा है ऊपर? लग रहा है? हाँ जी बोलो। अब मेरे सामने और एक फरिश्ता जैसे पहले बनाया था, तीसरा फरिश्ता बन चुका है। ऊपर 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 सूक्ष्म वतन में सकाश लेकर बाबा से नीचे 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 तपोवन के ऊपर, जहां मैं आत्मा भट्टी कर रही हूँ, उस सेंटर के ऊपर 24 घंटा सकाश दे रहा हूँ। कहीं भी रहो, लेकिन एक फरिश्ता तपोवन के ऊपर रोज छोड़ना है, ताकि यहाँ की सेवा की समृद्धि, सफलता और बाबा की प्रत्यक्षता के लिए। पक्का? पक्का? देखो पावर हाउस कहाँ है, लेकिन लाइट यहाँ जल रही है ना, तो ये पावर हाउस है, बाबा इधर है। कहाँ है बाबा? ये पावर हाउस हो गया, आत्मा ने शक्ति ली और यहाँ से संकल्प लिया करके फरिश्ता सो जाकर सेवा कर। और एक फरिश्ता बोलो, और एक फरिश्ता, वाह कितना सुंदर। और ऐसे नहीं एक एक सेकंड में बनाना है, वो कमेंट्री में जैसे मैंने बोला अभी यूट्यूब में भी आप सुन सकते हैं, उसको बड़े ध्यान से सुन के बाद में प्रैक्टिस करना कि संपूर्ण रूप से उसको श्रृंगार, एक एक फरिश्ते को बड़े ढंग से श्रृंगार करना, कम से कम 15-20 मिनट चाहिए। और उसको श्रृंगार करके धीरे सूक्ष्म वतन में ले जाओ। कहाँ गया? बाबा से सकाश लेकर नीचे 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 मेरे साथ 24 घंटा ऐसे करो जी भाई, मेरे साथ पहले करो ना, थोड़ा कर लो, मेरे साथ 24 घंटा। आप अभी अंदर भी जाओगे ना, डर नहीं लगेगा, और कोई डराने के लिए आएगा ना, खुद डर जाएगा, क्योंकि आपके जब गिरा फरिश्ता स्वरूप देखे, ऐसे कई जगह इकट्ठा हुई है, पर जब उन्होंने फरिश्ता लोग रखे चले, उनको ये शरीर दिखाई नहीं दिया, और कल वो अमृत गया है, इसका प्रैक्टिकल अनुभव कमेंट्री के साथ हम सभी करने वाले हैं। कौन कौन आएगा अमृत गला का? उठा लो ना फटाफट। हाँ देखो, वाह ये तो कमाल है। देखो दादी आज कितनी खुश हो रही थी, दादी जी हमारी, कि हमारी मुझे पता ही नहीं था कि हमारे इतने भाई बहन आएंगे अमृत गला। सचमुच आज काफी भाई बहन आए, और कल भी बड़े अच्छे तरीके से ये 7 फरिश्तों का कमेंट्री सुबह हम अनुभव करने वाले हैं। करोगे? थोड़ी सी अगर कोई चीज पानी है मंजिल
हीरे की खान में हीरे मिल रहा है तो जंगल के बर्बाद भी करता है, हाँ सामने नदी आएगा बर्बाद करता है। युक्ति रखते हैं किस तरीके से नदी को पार करके जाएं, हाँ या ना, भले वो जहरीले प्राणी भी हो उनसे बचने के तरीका ढूंढते हैं। हम समस्या को अपने दीवार बना लेते हैं पुरुषार्थ के लिए। तो ये सुनहरा मौका है, कल भी अमृत वाला बड़ा अच्छा होने वाला है, तो सब पहुंच जाए। और एक फरिश्ता बोलो मेरे सामने, और एक फरिश्ता बन चुका है ऊपर ऊपर और ऊपर बाबा से सकाश लेकर नीचे 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 मीठे मधुबन के ऊपर। और एक बार बोलो हाँ मीठे मधुबन के ऊपर, कितना मीठा पता, मीठे मधुबन के ऊपर जो आत्माएं रहती हैं, जो आत्माएं आती जाती हैं, उन सबको सकाश दे रहा है। अब मैं पूछूंगा बेटा तेरा पहला फरिश्ता उठाओ ना, उठा उठा, अब मैं उठाऊंगा तभी मैं पूछूंगा आपका ना, हाँ उठाओ उठाओ, पहला फरिश्ता क्या कर रहा है, दूसरा हाँ तीसरा सेंटर तपोवन के ऊपर, अच्छा अभी फिर भी भूल जाते हो। और एक बार मैं बताऊँ, पहला फरिश्ता सूक्ष्म बदन में बाबा से मधुर मिलन मना रहा है 24 घंटे, दूसरा फरिश्ता 700 करोड़ से भी ज्यादा आत्माओं को 24 घंटा सकाश दे रहा है। ये 24 घंटा बोलना जरूरी है, 24 घंटा। तीसरा फरिश्ता तपोवन के ऊपर निरंतर सफलता के लिए बाबा की प्रत्यक्षता के लिए 24 घंटा सकाश दे रहा है। चौथा फरिश्ता मेरे साथ बोलो क्या सुना नहीं दे रहा। पांचवा फरिश्ता मधुबन के, क्यों, क्योंकि मधुबन में अंतिम समय में सबको पहुंचना है जिन्होंने त्याग तपस्या सेवा की, इसलिए अभी से आप सब मधुबन निवासी हो या नहीं, हाँ जी मधुबन निवासी है, तो इसलिए पांचवा फरिश्ता कहां छोड़ना है, पांचवा फरिश्ता बोलो ना क्या कर रहा है, और छठा फरिश्ता अपने लौकिक परिवार के, बोलो अरे फरिश्ता बन चुका है ऊपर ऊपर सूक्ष्म मतलब में पहुंच कर बाबा से सकाश लेकर मेरा जहां जन्म हुआ मात पिता भाई बहन 84 जन्म की सारे संबंधियों को, क्योंकि हमने जो जन्म लेते 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 यहाँ पहुंचे एक जैन बना हुआ ना, असल आत्मा तो कहीं तो परंपरा कोई गया नहीं, सब यहाँ ही है, तो इसलिए हमने अपने लास्ट जन्म में जहाँ जन्म लिया उन 84 जन्म की आत्माओं को खास करके परिवार वालों को सकाश दे रहा है, ठीक है। और सातवां फरिश्ता बड़े बना है, बोलो सातवां फरिश्ता बन चुका है जैसे पहले बनाया था ऊपर ऊपर बाबा से सकाश लेकर नीचे 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 पूरे ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र तारों में देश विदेश में गांव गली में शहरों में सेवा कर रहा है। अब कोई बोलेगा नहीं, मैं जो बोलूंगा आपसे मन की आंखों से देखना है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा मधुबन के ऊपर थोड़ा मुस्कुरा,
छठा, सातवा अभी मैं बोलूंगा, आपको सिर्फ हाँ जी बोलना है देखते हुए। पहला देख लेने की बात बोलना, पहला दूसरा, अरे पहले देखो सिर्फ हाँ जी, पहले थोड़े से देखो ध्यान से, तीसरा दिख रहा है, चौथा दिख रहा है, पांचवा कहां पे है बोलो, बहुत पक्का हो गया, सातवा कहां पे है, एक्शन करके बताओ, अभी एक्शन, छठवा गायब हो, पहला चौथा छठा पांचवा दूसरा बहुत तीसरा, आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा, मुझे भी आनंद आ रहा है।